हेलो एंड वेलकम टू मैत्री एकेडमी। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि हम सिर्फ आपको बिहाइंड द सीन ही नहीं दिखाएंगे, बट जो एक्चुअल जब यात्रा हो रही होगी ना वो वाला एक्सपीरियंस भी दिखाएंगे। देखिए हमारी ये यात्रा लगभग शुरू हो चुकी है और ये सबसे पहले आगे क्या चल रहा है, बैंड चल रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, आप कह सकते हो कि एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लेफ्ट वाली रो पे आप ध्यान देना, वो लगभग आपको पैक मिलेगी। और अभी आप देखिए शुरुआत है, हम एक्चुअली आगे होकर देखकर आ चुके हैं तो काफ़ी भीड़ है। और ये हमारे पास जो अच्छी लोकेशन रह सकती थी जहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम वहाँ पर ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। देखिए ये तिरंगा झंडा और यहाँ पर देखिए सारे लोग भी इकट्ठे हैं। और आगे जो थोड़ा आगे जाकर ना काफ़ी भीड़ है, हम यहाँ पर थोड़ा ऐसे एरिया में जहाँ पर कम कम लोग हैं। ये देखिए ये आगे इनके सारे समर्थक चल रहे हैं, बट अभी आप देखिए लगभग हम मानकर चलिए कि एक या डेढ़ मिनट की दूरी पर राहुल गांधी हैं। ये देखिए इनके सारे के सारे सपोर्टर हैं। अभी आप बस ध्यान रखना, ये आपको बता दूँ हम कहाँ पर हैं बैठे हुए। ये है अम्बाला और दिल्ली का नेशनल हाईवे, जीटी रोड भी बोलते हैं इसको, NH1 भी कहते हैं। ये देखिए ये जो आप देखते हो ना इंटरनेशनल कांग्रेस का यूट्यूब चैनल या फिर ऑफिशियल चैनल जो भी है, सारी वो रिकॉर्डिंग जो है वो इस कैमरा से होती है। मतलब ये है वो बिहाइंड द क्या कहें कि जो क्रिएटर है, तो उस जो भी वैन गई ना उससे वो सारा रिकॉर्डिंग होती है। वो देखिए लेफ्ट पे ध्यान दीजिए, पूरा माहौल पैक्ड है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भीड़ है। और ये अब आप मान के चलिए कि वो राहुल गांधी जी भी आ चुके हैं, क्योंकि अभी यहाँ सिक्योरिटी आ चुकी है, पूरा रुख से कवर कर लिया गया उस एरिया को। ये देखिए लगभग आप मानकर चलिए 30 सेकंड की दूरी पे होंगे। और देखिए लेफ्ट वाला आप देखिए ध्यान से, पूरा पैक हो चुकी है वो रोड, दैट इज़ दिल्ली हाईवे, आप समझ रहे हैं हाईवे पूरा पैक है। और आप भी सुबह के लगभग 5:30 से 6 के आसपास हो रहे हैं, 6:15 बज रहे हैं। अब उसमें सुबह बोलूँ रात बोलूँ क्या बोलूँ, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, पूरी धुंध है, सर्दियों का मौसम है। और समर्थक भी पूरे जोश में, ये गए राहुल गांधी, ये देखिए देखिए ये गए वाइट में। और ये आप देख रहे हो पीछे वाइट टी शर्ट में, दैट वन वॉज राहुल गांधी। और ये देखिए भीड़ देखिए उनके पीछे, भीड़ देखिए। और अभी आप देखिए अभी तिरंगा अभी और चलेंगे, अभी आप देखिए वो राहुल गांधी वहाँ गए, ये पूरी वैन है। ये देखिए देखिए ये उनके सारे समर्थक जो उनके पीछे चल रहे हैं, अभी और बढ़ेंगे समर्थक। देखिए ये यहाँ पर पूरा एकदम माहौल गर्मा गर्मी हो रखी है, सर्दी बोलूं गर्मी बोलूं यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई है। और सर्दी तो हाई है ही, बट पॉलिटिकल टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है। ये देखिए 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 अब देखिए राहुल गांधी को लेकर लोगों के अपने ओपिनियंस हैं, कुछ उनको अपोज करते हैं, कुछ लोग उनका सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ सब सपोर्टर हैं उनके, अक्रॉस द इंडिया सारे उनके सपोर्टर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। देखिए बट हम तो यही कहेंगे कि एक इस यात्रा का काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है तो ये उनका 2024 का जो उनका टारगेट है, मेरा पर्सनल यही मानना है कि शायद इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप देखिए ये अब थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। ये देखिए 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 पुलिस की वैन चल रही हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस रहेगी साथ, कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशन कुछ ना हो उसके लिए, हमेशा ही रहती है जब भी ऐसी तरह का कोई भी काफिला चलता है। वो देखिए लेफ्ट रोड देखिए पैक है, पूरी की रोड पैक है। ये भी चलते रहेंगे, ये पुलिस की वैन भी चलती रहेगी, एम्बुलेंस भी चलती रहेगी, फायर ब्रिगेड वाले भी चलते रहेंगे। ये देखें आप ये, और इनका समर्थक तो चलते ही रहेंगे। ये देखिए, और एक स्पेशल बात क्या है, फरीदाबाद की क्या थी वो देखिए आपने, फरीदाबाद की थी वो पुलिस वैन। और ये आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि इसमें अम्बाला की पुलिस इन्वॉल्व है ही, बट जींद पुलिस का भी काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। आप अगर इस टाइम आप यहाँ जाते और आपको दिखता जींद पुलिस के भी होर्डिंग, उनके बैरिकेडिंग लगी हुई है हर जगह, मतलब पूरा जीटी रोड को उन्होंने लगभग कवर कर रखा हो, कुछ भी अनफॉर्चुनेट ना हो। ये देखिए ये राहुल गांधी तो चले गए, उनको जाते हुए भी मान के चलिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका, बट अभी भी पूरा काफिला चल रहा है। और ये देखिए एम्बुलेंस फिर भी है, उसके बावजूद ऊपर वैन चल रही है पुलिस की, और ये देखिए एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ये देखिए और ये जिप्सियाँ पूरे फॉर्म में। तो ये थी हमारी पूरी राहुल गांधी की यात्रा, देखा आपने मज़ा आया कि नहीं।
देखिए यही बात है। अब मैं आपको बोलूँगा इस यात्रा में पॉजिटिव्स भी काफ़ी हैं और निकालने के लिए नेगेटिव्स भी निकाल सकते हैं कि इसे कोविड हो सकता है, बट ओवरऑल मेरी असेसमेंट यही है कि यात्रा का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब कम से कम कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो। बाकी टेम्परेचर पूरा हाई रहा, मैं और भी क्लिप्स लेकर आऊँगा आपके लिए, स्टे ट्यून्ड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।